हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया मटरू जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कर रहे हैं स्विमिंग पूल पास बैठ के? संजय जी, ये फिल्म है दुल्हा टू, जिसके निर्देशक हैं आदर्श जैन जी, और हम लोग अभी मनीषा बंगलो में शूटिंग करने आए हैं, और पीछे स्विमिंग जैसा स्विमिंग पूल देख रहे हैं आप, उसमें कुछ सीन्स होने वाले हैं हॉट टाइप के, गर्मा गर्म खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़। और जाहिर सी बात है हॉट कौन कौन होते हैं वो तो सबको पता है, तो हॉट लोगों के लिए वो ठंडा करने का तरीका है। फिल्म का दूल्हा तो आप ही होते हैं फिल्म में? नहीं, दूल्हा नहीं होता हूँ, दूल्हा तो मैं रहता ही हूँ, बट इस फिल्म में दूल्हा नहीं हूँ, इसमें सहबल्ला हूँ। सहबल्ला जानते हैं ना, दूल्हा का जो छोटा भाई होता है, जो मौरी नहीं है, वो छोटा मौरी पहन के बैठा रहता है, वही वाला मैं। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सिनेमा में, कैसा आपका किरदार है? इस सिनेमा में लव है, रोमांस है, फाइट है, एक्शन है, कॉमेडी है, के जी हैं, पप्पू यादव जी हैं, उदेश मिश्रा जी हैं, और प्रीति मौर्या जी हैं, हमारा हीरो अपना क्या नाम है उनका, आदित्य मोहन जी हैं। तो इस सब मिला के जो तड़का और जो रायता बना है ना, उसको हाय रे है, लोग ऐसे नहीं खाएंगे, ऐसे हम खाएंगे। रोहित सिंह मटरू आपका नाम है, ऐसे मटरू नाम लेते ही मतलब कॉमेडी से लगता है। हाँ, मटरू एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि माँ बाबू जी ने रखा या चाचा चाची ने रखा, लेकिन ये मेरा बचपन का नाम है संजय जी, और ये नाम मुझे विरासत में मिला, और फिल्म वाले लोग ज़्यादा मटरू ही जानते हैं। तो कॉमेडी झलकता है कि नहीं, वो तो आप बताएंगे या दर्शक बताएंगे, बाकी तो मैं करता ही रहता हूँ। सेट पे कॉमेडी करते हैं, अपने दोस्तों के साथ करते हैं, क्या इसी तरह परिवार के साथ कॉमेडी करते हैं? परिवार के साथ, बच्चों के साथ मैं ऐसा मस्ती करता हूँ, बट फैमिलीज में लोग थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। और हर का किरदार जो है, हर किसी, हर इंसान का, चाहे आप हो, हम हैं, आप भी परने सूत्र में बंध चुके हैं और आपकी भी फैमिली हो गई है, तो थोड़ा सा घर में लोग, ऐसा नहीं है मस्ती करता हूँ लेकिन कॉमेडी नहीं करता, मस्ती करता हूँ जी। बचपन की कुछ ऐसे कोई यादाश्त जो बहुत मज़ेदार हो? हाँ, बचपन की नहीं, मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहा था और पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, तो उसमें एक बार एग्ज़ाम में मुझे वो पेपर नहीं आ रहा था, हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री में बहुत कमज़ोर था, तो बगल वाला जो बंदा था मेरे साथ एग्ज़ाम दे रहा था, उसने कहा हे भाई थोड़ा दिखाओ ना, थोड़ा सा दिखा दो यार, पास हो जाऊँगा। बोला नहीं 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 दिखाएंगे, इतना कस के डाटा कि हम ऐसे हो गए। अच्छा ठीक है, तो मैं भी ठान लिया था कि या तो हम या तो तुम, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो मैडम थी उसकी प्रवेक्षिका जो होती हैं, जो निरीक्षण करती हैं, वो मैडम जैसे ही हम लोगों के पास आई, तो मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी पूरा लिख रहा था कि लोगों लगे कि ये एग्ज़ाम दे रहा है बहुत सिंसियरली, तो मैं लिख रहा था, और वो कुछ ऐसे करके कुछ ऐसे सोच रहा था, वो आदमी लिखने का क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, सोच रहा था, तो जैसे ही मैडम क्रॉस की, मैंने सीटी मारा और लिख के, पागल होगा लोग क्या जी, एग्जाम में ये सब सीटी उटी मारा जाता है? मैडम आए, उसका पेपर छीन के और उसको क्या वो कर दी, स्पेल्ड कर दी, पहले होता था ख़त्म, पेपर ऊपर फाड़ के चलो तुम ख़त्म, उसका एक साल मैं खा गया, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, मैं पास हो गया और वो फेल हो गया, तो मेरे से पंगा लोगे तो इलाका में दंगा कर दूंगा, ये मेरे लिए मज़ेदार था, उसके लिए बहुत ख़राब था। बहुत अच्छा लगा कॉमेडी। हाँ, ये कॉमेडी, अरे ये सीरियस है, ये मेरे साथ बीता है। अच्छा, वो अगर लड़का देख रहा होगा तो खूब गाली देगा हमको, उसको याद आ जाएगा वो चीज़। चलिए, बहुत सीरियस है लेकिन बहुत मज़ा आया सुन के इस चीज़ को। चलते हैं फिर से सेट पर और बताएं, फिल्म में अवधेश मिश्रा जी भी हैं? हाँ जी, इसमें अवधेश जी हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अवधेश जी हैं, अनीता रावत जी हैं, और आदर्श जी के शूटिंग का माहौल बहुत ही प्यारा होता है। अभी देखिए कि आदित्य मोहन जी, के जी, पप्पू जी, सब लोग, हम लोग, अभी मेरा सीन चल रहा था ऊपर, तो ये लोग डिस्टर्ब भी कर रहे थे, लेकिन मैं तो इन्जॉय कर लेता हूँ। अब इन लोगों का सीन होने वाला, मैं डिस्टर्ब करूँगा। हाँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, अभी तो ऐसे करते ही रहते हैं महाराज, उंगली संजय जी भी बहुत उंगली करते हैं, लेकिन मेरे से बेचारे अच्छे से रहते हैं, ये चीज़ है। तो आई लव यू संजय जी, महादेव की जय हो। हर हर महादेव, ओम नमः।